हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू के फॉर्म में है। स्टेटमेंट वन सेज अ शेल मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स विल फॉलो द सेम पैराबोलिक पाथ। एंड स्टेटमेंट टू सेज एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस विच कैन नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। सो बच्चे, जब हम स्टेटमेंट नंबर वन चेक करेंगे कि मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल है और हमारे पास में एक शेल है जो कि इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। अब मिड एयर में आने के बाद ये जो शेल है वो अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोड हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर बताना है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी पैराबोलिक पाथ को ही ओबे करेगा, एंड दैट टू सेम पैराबोलिक पाथ। तो बच्चों, यहाँ जो भी फ्रेगमेंट्स होंगे उनका जो सेंटर ऑफ मास है उसको मान लेंगे एक पार्टिकल, तो वो अभी भी सेम पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर वन इज ट्रू प्रैक्टिकली। देन स्टेटमेंट टू, अब ये जो शेल एक्सप्लोड हुआ था उसमें रीजन था इसके खुद के इंटरनल फोर्सेस, यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज नहीं थे। तो बच्चों, इंटरनल फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि जो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इट मींस मास ऑफ द शेल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो इक्वल टू जीरो। अब मास तो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज जीरो। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्टेट ऑल्टर नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं दैट स्टेटमेंट नंबर टू इज ऑल्सो ट्रू। एंड स्टेटमेंट नंबर टू जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वन को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू।